देखिए असर पड़ता है और ये सार्वजनिक चर्चा जब सामाजिक विमर्श होता है तो ये मुद्दे सामने आते हैं। और अब देखिए क्या है कि जनता भी अभ्यस्त हो गई है, नेता भी पार्टियां भी सारा काम जो है वो चुनाव जीतने के लिए वोट कैसे मिल सकते हैं, क्या समीकरण है, कोई सिद्धांत कोई विचारधारा किसी पार्टी की हो कि नहीं इस पर ये अड़ के रहेगा। आप किस नेता के बारे में कह सकती हैं कि वो अपनी विचारधारा पर या जिस खेमे में आज है उसी से खेमे में कल रहेगा। यही आपने देखा एक साल पहले ही इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाला आदमी, इंडिया गठबंधन के लिए हर प्रदेश घूमने वाला आदमी चुनाव से ठीक पहले एनडीए में और फिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ चला गया। जब आज के 20 साल बाद या आज के जो 25 साल का लड़का है या 18 साल का लड़का है जब न्यूज़पेपर्स में खबरें पढ़ता है 19 साल में, उसको आप बताइए कि यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से विश्वास मत हासिल न कर सकी और गिर गई। उसे यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी दौर था, ऐसी भी पार्टी थी, ऐसे भी प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं जो एक वोट से चुनाव हारे हैं। यहाँ तो वही भारतीय खैर उन लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भी भेज दिया गया, यहाँ तो वही भारतीय जनता पार्टी है जो कमलनाथ की सरकार को गिराने के लिए 25 विधायक कहाँ भेजी और लौट करके किस तरीके से, मैं तो मुंबई में वहाँ था, कैसे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के पूरे मुंबई को रोक कर पूरा सिक्योरिटी कवर दे करके शिवसेना के बागी विधायकों को एक 5-स्टार होटल में ले जाया गया और कैसे फिर उनको विधानसभा पहुंचाया गया और कैसे वो सरकार गिरी और अपनी से आधी विधायकों वाली शिवसेना सिंधे गुट को मुख्यमंत्री का ताज पहनाकर बीजेपी ने एक स्टेट की सत्ता ली। तो जब केंद्र की सरकार यही बीजेपी एक वोट से गंवा सकती थी और आज की तारीख में स्टेट्स की सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार, महाराष्ट्र, बहुत सारी जगहों पर ऐसी घटनाएं, और ये सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं है और दूसरी पार्टियों के नेता जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के भी नेता हैं वो कहीं भी, महाराष्ट्र इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस के साथ जाने से अच्छा है कि हम अपनी दुकान बंद कर दें और आज उद्धव ठाकरे उसी कांग्रेस की गोद में बैठे हुए। जो शरद पवार, जिस शरद पवार ने पुष्पित पल्लवित किया अजीत पवार को, वही उम्र के एक एक पड़ाव पर और तमाम एजेंसियों के दबाव, जांच के दबाव में वो अपने चाचा को न सिर्फ छोड़ गए, क्या क्या नहीं किया, और उसी सुप्रिया सूले के साथ जिसके साथ जिनका भाई बहन का उनका संबंध आपने सार्वजनिक, उनके खिलाफ अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दिया, वही शरद पवार जो 62 सालों से बारामती में दीपावली का फंक्शन मनाते हैं, अब दो जगह फंक्शन मना। राजनीति ने, पद ने ऐसा कर दिया कि सारी विचारधारा, सारी बाउंड्रीज टूट गई। अखिलेश यादव का शिवपाल यादव के साथ, अपने चाचा के साथ झगड़ा पूरी दुनिया ने देखा। तो यह समय काल चक्र है, अब इस समय इसी का चल रहा है और जनता भी समझ रही है कि नेता कोई हो, पार्टी कोई हो, वो सिर्फ पैसे के लिए, कुर्सी और करेंसी के खेल में सब इन्वॉल्व है। इसलिए जनता भी सोचती है कि जो ज़्यादा फ्री बिजली दे दे, जो अकाउंट में पैसे दे दे, जो भत्ता दे दे, उसी को वोट दो, उसी की सरकार आए, बाकी जो होगा देखा जाए। इसलिए हर साम दाम दंड भेद हर कोशिश अब हर राजनीतिक दल की तरफ से की जाती है। पहले मैं मौका दे रही हूँ आपको मनीष शुक्ला जी, 10 सेकंड। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो पीडीए की बात कर रहे थे पकरुल हसन चांद जी, पीडीए की हवा उसी दिन निकल गई जब अयोध्या में मोहित खान के लिए दलित निषाद समाज की लड़की के खिलाफ अखिलेश यादव ने बयान दिया और उस निषाद समाज की लड़की के बयान को न मानते हुए डीएनए टेस्ट की मांग की। कन्नौज में नवाब सिंह यादव के पक्ष में खुले आम नजर आए जबकि वो जो लड़की थी वो भी पिछड़े समाज की थी। तो इनके लिए पीडीए से पीडी तो इन्होंने डिलीट कर रखा है, केवल मुस्लिमों के लिए अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। बोले फकर हसन चांद जी, ये पिछड़े समाज को, दलित को, सबको ठेंगे पर रख देते हैं। दूसरी बात, अभी आरक्षण अपने कोर वोट के लिए आप काम करते हैं, अपने कोर वोट के लिए आप काम करते हैं, ये आरोप लगा रहे मनीष जी। बोलिए, देखिए मोहित खान का डीएनए टेस्ट तो निगेटिव आया, वो ये नहीं बताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने ये गलत बात है। जब गैंग रेप होगा तो किसी एक व्यक्ति का ही डीएनए मैच करता है और उसमें नाबालिग लड़की का बयान ही महत्वपूर्ण होगा। बोलिए फकरुल जी,
डीएनए टेस्ट की जो बात कर रहे हैं मनीष जी, तो पढ़ लिख के आया कीजिए, थोड़ा पढ़ा कीजिए। डीएनए टेस्ट की मांग इसलिए की गई थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कानून में संशोधन हुआ है कि जिस भी कानून में 7 साल से ज्यादा की सजा होगी, ठीक है ईशान त्यागी होगा। देखिए मनीष जी अपनी फितरत से बाज नहीं आया और सीधा उन्होंने बोल दिया कि अन्य पार्टियां मुस्लिमों के लिए काम करती है, तो भैया आप किस लिए प्रधानमंत्री बने थे? और इनके नेता जो लव जिहाद और वोट जिहाद की बात करते हैं, तो भैया ये कौन सा जिहाद हो रहा है वहां पर? ये कौन सा जिहाद कर रहे हैं आप लोग, जाके बताइए ना, ये कौन सा जिहाद है? इसको भी तो समझाइए ना, ये कौन सा जिहाद है, ये भी बताइए। आप ये सब भी करते हैं बाहर जाके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमारे देश में तो हिंदुओं को गरीब रखेंगे, उनको भूखा रखेंगे, उनको शिक्षा नहीं देंगे, ठीक है गुलाबचंद दुबे, गुलाबचंद दुबे जी, लेकिन अब यहीं पे हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे। गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश अगर निभा रहे हैं तो कांग्रेस का समर्थन क्या स्वीकार करते हैं उत्तर प्रदेश से? और यहाँ पे यदि लास्ट 10 सेकंड प्रोफेसर सतीश प्रकाश, फिर मैं वाइंड अप कर रही हूँ जल्दी से। ये भारतीय राजनीति संक्रमण काल के दौर से गुजरती, नेता धार्मिक हो जाएगा और जनता कहीं ना कहीं, क्योंकि जनता को ये बात मालूम है आम जनमानस की समस्या महंगाई है, इसमें कहीं तो राय नहीं, आम जनमानस की समस्या बेरोजगारी है, इसमें कहीं तो राय नहीं। चलिए तो ठीक है, सबके अपने नारे और नारों में दावों का कितना शोर है ये भी अब आगे तस्वीर और साफ होती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही, नमस्कार।